अनु अपनी फेवरेट नॉवल में खोई हुई थी। कैफे में चहल पहल थी, पर अनु को कुछ पता नहीं चल रहा था। अचानक एक आवाज आई, एक्सक्यूज मी, इज दिस सीट टेकन? अनु ने चौंक कर देखा, सामने एक लड़का था, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, उसकी आंखें प्यार और वार्मथ से भरी अनु की आंखों से मिली। ये थे राघव। उस दिन वो घंटों बातें करते रहे, किताबों के बारे में, ड्रीम्स के बारे में, जिंदगी के बारे में। अनु ने ऐसा कनेक्शन फील किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। राघव भी अनु की इन्फेक्शियस लाफ्टर और जिंदादिली से खिंचे आए थे। दोनों अलग थे, फिर भी उनकी सोल्स रेजोनेट करती थीं। एक कप ऑफ कॉफी के साथ उनकी जर्नी शुरू हुई, अनजान उन एडवेंचर्स और चैलेंजेस से जो उनका इंतजार कर रहे थे। ये उनकी लव स्टोरी की शुरुआत थी। शुरुआती दिन हंसी खुशी से भरे थे, हर मुलाकात उनके प्यार को और गहरा कर देती थी, पर डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था। राघव को जॉब ऑफर आया, एक ड्रीम अपॉर्चुनिटी, पर अनु से बहुत दूर। उनके रास्ते में पहली बाधा आई, डिस्टेंस। अनु का दिल सोचकर ही बैठ गया कि राघव उससे इतना दूर जाएगा। राघव भी उसे छोड़कर जाने के गम से जूझ रहा था। देर रात वाली कॉल्स उनकी लाइफलाइन बन गई, हर एक वर्ड, हर एक साइलेंस, सब कुछ प्रेशियस। उन्होंने प्रॉमिस किया कि सब ठीक करेंगे, दूर रहकर भी अपने प्यार की फ्लेम को जिंदा रखेंगे। डिस्टेंस ने उनके प्यार को परखा, पर साथ ही उनके डिटर्मिनेशन को और मजबूत बनाया। उन्होंने पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग का असली मतलब समझा। अनु ने राघव को अपने ड्रीम्स परस्यू करने के लिए इनकरेज किया। राघव ने भी यह सुनिश्चित किया कि अनु कभी लोनली फील ना करे। वीकेंड्स बहुत प्रेशियस थे, स्टोलन मोमेंट्स और शेयर्ड ड्रीम्स से भरे हुए। वो उन दिनों घंटों मिनटों को गिनते थे जब तक वो फिर से साथ नहीं हो जाते। उनका बिलीव था कि ये दूरी टेम्पररी है। वो जानते थे कि उनका प्यार इतना स्ट्रॉन्ग है कि किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब राघव वापस लौट आया। उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। वो अपनी लाइफ साथ में शुरू करने के लिए बेताब थे, एक ऐसी लाइफ जिसका सपना उन्होंने उन लंबी लोनली नाइट्स में देखा था। लेकिन लाइफ के कुछ और ही प्लान्स थे। अनु को हायर स्टडीज के लिए विदेश से स्कॉलरशिप मिली। इस बार अनु की बारी थी इस डिलेमा का सामना करने की। उनके करियर्स क्रॉस रोड्स पर थे। जिस डिस्टेंस को उन्होंने एक बार पार कर लिया था, वो अब फिर से उनके रास्ते में खड़ी थी। वो कंफ्यूजन और डाउट के भंवर में फंस चुके थे। क्या उनका प्यार इस सैक्रिफाइस को सहन कर पाएगा? सेक्शन 5, ईगो की गूंज, डाउट की आहट। इस बार डिस्टेंस अलग फील हो रही थी। सिर्फ माइल्स ही नहीं थे जो उन्हें अलग कर रहे थे, बल्कि उनके एम्बिशंस, उनके ड्रीम्स का वेट भी था। देर रात वाली कॉल्स छोटी होने लगी, साइलेंसेस लंबी। जो खुशी उन्हें एक बार महसूस होती थी, उसकी जगह अब एक सुस्त दर्द ने ले ली थी। ईगो ने उनके कॉन्वर्सेशंस में दस्तक दे दी। छोटी छोटी आर्ग्यूमेंट्स बड़ी फाइट्स में बदलने लगी। डाउट ने उनके रिलेशनशिप पर लंबे साए कर दिए। वो अपने प्यार, अपने सैक्रिफाइसेस, अपने फ्यूचर पर क्वेश्चन करने लगे। क्या वो वाकई एक दूसरे के लिए बने थे, या फिर एक ऐसे सपने को पकड़े हुए थे जो अब फीका पड़ रहा था? सेक्शन 6, इंट्रोस्पेक्शन और फॉरगिवनेस। अपने बिगड़ते रिलेशनशिप के पेन ने उन्हें अपनी फ्लॉज का सामना करने पर मजबूर कर दिया। अनु को एहसास हुआ कि उसके एम्बिशन ने उसे राघव के अनवेवरिंग सपोर्ट के लिए अंधा बना दिया था। राघव को समझ आया कि उसकी इनसिक्योरिटीज ने उसके एंगर को भड़काया था। वो कुछ समय अलग रहे, अपनी गलतियों पर रिफ्लेक्ट किया। उन्होंने खुद के भीतर गहराई से जाने की कोशिश की, अपने दर्द की जड़ को समझने की। धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा कि उनके एक्शंस ने एक दूसरे को कितना हर्ट किया है। उन्हें एहसास हुआ कि प्यार का मतलब स्कोर कार्ड मेंटेन करना नहीं है, बल्कि फॉरगिवनेस और अंडरस्टैंडिंग है।
सेक्शन 7 एक नई शुरुआत। नए सिरे से क्लैरिटी के साथ उन्होंने एक दूसरे से कांटेक्ट किया। फोन कॉल अपॉलोजीज, आंसुओं और अपने टूटे हुए बॉन्ड को ठीक करने की डेस्परेट लॉन्गिंग से भरी हुई थी। उन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकार किया। उनकी आवाजें इमोशंस से भरी हुई थी। उन्हें एहसास हुआ कि उनका प्यार खोने के लिए बहुत प्रेशियस था। इस बार डिस्टेंस उनके कमिटमेंट को कम नहीं कर सकती थी। उन्होंने एक दूसरे के ड्रीम्स को सपोर्ट किया और साथ ही अपने प्यार को भी नर्चर किया। उन्होंने कम्युनिकेट करना, वल्नरेबल होना, फॉरगिव करना सीखा। वो स्टॉर्म से और भी स्ट्रांग होकर निकले। उनका बॉन्ड अनब्रेकेबल हो गया। सेक्शन 8, प्यार की बुनावट। अनु और राघव की कहानी प्यार की एंड्यूरिंग पावर का प्रमाण है। ये एक रिमाइंडर है कि रिलेशनशिप्स हमेशा स्मूथ सेलिंग नहीं होते। स्टॉर्म्स आएंगी, चैलेंजेस होंगे और डाउट के मोमेंट्स भी होंगे, लेकिन इन डिफिकल्ट टाइम्स में ही ट्रू लव की परीक्षा होती है और वो और निखरता है। उनकी जर्नी हमें पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग और फॉरगिवनेस की इंपॉर्टेंस सिखाती है। ये कम्युनिकेशन के सिग्निफिकेंस और अपनी फ्लॉज का सामना करने के करेज को हाईलाइट करती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये हमें दिखाती है कि ट्रू लव के लिए फाइट करना वर्थ है। सेक्शन 9, प्यार की अटूट ताकत। जिंदगी एक्सपीरियंसेस की एक टैपेस्ट्री है जो हैप्पीनेस, सॉरो, लव और लॉस के थ्रेड से बुनी जाती है। अनु और राघव की कहानी हमें याद दिलाती है कि प्यार कोई डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक जर्नी है। ये अप्स एंड डाउन्स को अपनाने, अपनी गलतियों से सीखने और साथ में ग्रो करने के बारे में है। जैसे जैसे उन्होंने जिंदगी की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट किया, उनका प्यार एक कॉन्स्टेंट बना रहा, एक उम्मीद का बीकन जो उन्हें डार्कनेस में रास्ता दिखाता रहा। नमस्कार जी, कैसे हो आप सभी दोस्तों? ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।